वैसे किसी महापुरुष ने मुझे कहा है कि ठंडे को ठंडा मारता है, तो मैं पी लूं फिर इसका मतलब। हाँ, या उल्टा हो जाएगा। शॉपिंग करते करते इन्हें लगा बहुत तेज सुसु, तो ये वॉशरूम ढूंढते फिर रहे हैं। ये देख लो क्या हो रहा है इनका, कहाँ से टप्पे मार रखे इन्होंने। क्या बात, खूब शॉपिंग कर ली, थैला भर लिया। मैगी बनाने का कारण ये है बेसिकली, एक तो 2 मिनट में नहीं बनती है, बिल्कुल नहीं बनती है 2 मिनट में मैगी। Hey everyone, hope you guys are doing absolutely fine. Welcome back to the channel and to this amazing vlog. आज दिन की शुरुआत तो खैर बहुत पहले हो चुकी थी, अभी देर से व्लॉग शुरू हो रहा है, और देर से शुरू होने का कारण यह है कि देर से उठे हैं, घर के काम धाम चल रहे थे, मम्मी की तबीयत थोड़ी सी आज भी नासाज है, कल से ये कह लो कि बेटर भी है, और थोड़ा सा यह है कि बैक में पेन है हल्का सा, वो नज़ले जुकाम की वजह से ही है, वो अपने आप चला जाएगा थोड़े दिनों के बाद जैसा कि डॉक्टर ने बताया मुझे। और वर्षा जी भी मतलब ऑफिस के काम में लगी हुई थी, तो खैर अभी हो चुकी है दोपहर ही, जी हाँ दोपहर हो चुकी है, और इतना लेट व्लॉग शुरू हो रहा है तो इस पे आफ्टरनून कह सकते हैं हम। गुड आफ्टरनून आप सबको, बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून वर्षा जी। गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप? हम बढ़िया हैं। बढ़िया हैं। और ये मट्ठा आ चुका है, लंच चल रहा है इस वक्त ना, ब्रेकफास्ट में यही चला करेगा। और ब्रेकफास्ट में हमने क्या खाया था? पोहा। हमने पोहा खाया ब्रेकफास्ट में। और मम्मी दिखा देता हूँ, मम्मी कहाँ आराम कर रही है। मम्मी सो रही है आराम से अपना, और हल्के हल्के खाने चल रहे हैं। और हम लोग खाने वाले हैं खाना, और आज क्या बनाया? आलू बैंगन की सब्जी, वाओ। साथ में है राइस और चपाती, तो जल्दी से शुरू करते हैं। और आज हमें शायद बाहर भी जाना है कहीं काम से ना। यस। तो थोड़ा सा शॉपिंग वॉपिंग करके आना है। ये थैला समझा था टंके का चलती। अभी ना दोस्तों ऑफिस खत्म होने के बाद सो गया था मैं थोड़ी देर, लगभग आधा पौना घंटे की अच्छी सा नींद ली, तो आंखों में ना अभी भी नींद नींद सी हो रही। घर वालों ने जबरदस्ती भेजे जाओ सब्जी सामान ले जाओ, तो ऐसी कर तो ये जबरदस्ती भेजे गए लोग हैं जो आलसपन में क्या है, इनका मन नहीं था, और इन नींद से जगा के इन्हें बोला गया कि जाओ उठो। तो हमने बनाया बनाना शेक, हमने बनाया बनाना शेक, और उस पर हमने डाली है आइसक्रीम। तो आप पी के बताने वाले हो कि कैसा लग रहा है ये? नहीं नहीं अच्छा ही लगता है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ मम्मी चाय पीने बैठी थी, पर मम्मी ने पूरा डब्बा ही उलट पुलट कर दिया। मैं ना रैपर वगैरह खा ली थी। अच्छा, तो मैं चली नहीं सकूंगा दुकान। चलो ये हमारा बनाना शेक रेडी है, चलो भाई उठाओ, श्री गणेश भैया जाए इनका। मैं ये कह रही भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं नहीं पी रही बनाना शेक और उसमें आइसक्रीम। मैं चाय पी रही, देखो कोई नहीं जब आप सही हो जाएगा दोबारा से हम बीए बनाएंगे। हाँ ये तो बनता ही है बनाना शेक की, तो कोई बड़ी बात नहीं, तबियत भी तो सही होगी पहले सही करने के लिए। वैसे किसी महापुरुष ने क्या कर दिया महापुरुष ने? वैसे किसी महापुरुष ने मुझे कहा है कि ठंडे को ठंडा मारता है। ऐसा तो है ना, तो मैं पी लूं फिर इसका मतलब। हाँ, उल्टा हो जाएगा। हमें थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं मॉल और खरीद के लाएंगे हम अच्छा अच्छा सामान। वैसे हम काफ़ी दिनों बाद जा रहे हैं आज शॉपिंग करने, और मॉल में वो भी स्पेशली, क्योंकि मोस्टली हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, बट आज हमने सोचा घर के पास ही मॉल है तो घर के पास वाले मॉल से जाके तो सामान खरीद लाते हैं, है ना जी? हाँ जी बिल्कुल। तो हमने जस्ट अभी स्कूटी पार्क की है पार्किंग में, और हम लोग जा रहे हैं मॉल की तरफ। दरअसल में हाउस होल्ड आइटम्स नहीं, कुछ तो गारमेंट्स वगैरह लेने थे वर्षा के लिए, बेसिकली शूज़ वगैरह देखने, तो वर्षा के लिए शूज़ लेने हैं और कुछ गारमेंट्स वगैरह ट्राई करेंगे, देखते हैं। ज़्यादा भीड़ नहीं लग रही मुझे आज। हाँ, मंडे टू फ्राइडे भीड़ वैसे भी कम ही होती है, वीकेंड्स पे ज़्यादा भीड़ रहती है, ऐसा है वैसे। हाँ। वैसे किसी भी मॉल में वीकेंड्स में भीड़ ज़्यादा रहती है ना। बैक डोर एंट्री ऑफ दिस गौर सिटी मॉल, और काफ़ी एरिया है वैसे गौतम बुद्ध नगर ना, गौतम बुद्ध नगर में ज्यादातर एरिया गौर सिटी का ही है, गौर का, गौर ही गौर दिखे सारी जगह जमीन में, गौर सिटी में से गौतम बुद्ध नगर बसा हुआ, सही बात है। कितना बड़ा मॉल है, और अभी काफी सारे पोर्शंस तो इसमें खाली खाली हैं। ये देख पीछे की शॉप्स भी चढ़ेंगे अभी,
पहले कौन सी शॉप में जा रहे हैं हम लोग? मैक्स में चलना है, कपड़े वगैरह देखने वहाँ पे थोड़े बहुत, और शूज भी देख सकते हैं, कोई अच्छे अगर मिल गए शूज तो ट्राई कर सकते हैं। हाँ भीड़ कम है वैसे, है ना? चाहे मेरा जिम छूट जाए, हम पूरा मॉल बंद करवा के जाएंगे, टाइम पूरा है हमारे पास। जब मॉल में जाओ ना तो फिर उसके बाद इतने सारे ऑप्शंस दिखने लगते हैं, आप सोच के जाओगे और 10 ऑप्शन 10 चीजें और खरीद के लेके जाते हो। हाँ, सच में। ना वो तो है, खैर यही तो फायदा है मॉल आने का, और सामान भी आता है। मेरे ख्याल से हर जगह ऐसा ही है। हाँ फिर तो आपको हाथ या तो रोक ही लो, हाँ या फिर निकलते चले जाएंगे बस पैसे। हाँ जर 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 जर। तो मैक्स हो गया आपका? मैक्स हो गया, मैक्स पे मजा नहीं आया। चलो कोई नहीं, शॉपर स्टॉप चलते हैं। ठीक है। शॉपिंग करते करते इन्हें लगा बहुत तेज सुसू, सब ये वॉशरूम ढूंढते फिर रहे हैं। ये टॉयलेट है, कभी भी आ सकता है, ये पूछ के कभी भी कहीं भी आ सकता है। मैं एक चीज बताता हूँ, वर्षा ने 3-4 शॉप्स देख ली और ये बहुत ही तेज घर वाली है, बहुत ही शातिर वाली है। इसने सारी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली और लिख ली ऑनलाइन, क्योंकि प्राइसिंग आ रही थी सस्ती तो वहाँ से ऑर्डर करने वाली है। चीजें यहाँ से सेलेक्ट कर ली, पैर वैर पहन के देख लिया, शूज वूज का शॉपिंग वहाँ से करो जहाँ से आपको प्राइस रीजनेबल पड़े। हाँ चाहे 100-200 रुपए ही बचे, है कि नहीं? 100-200 भी हमारे लिए ऐसा होता है कि हमने किसी प्रोडक्ट पे 100-200 रुपए बचा लिए, नहीं खुशी तो मिलती है वैसे, ऐसी बात नहीं। तो फिर ये इसकी बात नहीं, मेरी भी है, मैं कच्चे देख रहा था, कच्चे महंगे हैं, ऑनलाइन हर कच्चे पे 100 रुपए डिस्काउंट है, तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर करने वाला हूँ। तो जहाँ भी जितना भी पैसा बच जाए यार अच्छा लगता है, लड़कियों की बात नहीं, ये लड़कों की भी बात है। नहीं ये लड़कियों की नहीं, ये अंदर की बात है, ये अंदर की बात है। फोन में लगना है या फिर शॉपिंग करना है? आपको, आपने मुझे अपना फोन दिया है और आपने कहा है कि अपने बैग में आपको सामान सर्च कर रहे थे, मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो फालतू में। तुमने इतनी सारी दुकानें घुमा दी, लेना ऑनलाइन है, सारे जूते वूते देख लिए, पसंद कर लिए, फोटो खींच ली उनकी, खरीदोगे ऑनलाइन? ए फ्यू मोमेंट्स लेटर मुझे कह रही थी है, फोन में लग रहे हो, और देखो चलते चलते फोन में लग रही, देखो ये देखो फोन में लग रही है, क्या बेटर ऑप्शन दिख सकता हूं। कितनी तेज है। हल्लियात आ गए, अब तो कुछ नहीं शॉपिंग करके लाए। मुझे बता रही है, बताइए जरा, तूने सारे के सारे प्रोडक्ट्स देख लिए जो जो लेना है, और अब घर से जाके, क्योंकि घर पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलता है, और एक्सचेंज भी हो सकता है अगर साइज वाइज या कलर वालर, या एक्सचेंज कर सकते हैं इन केस ऑफ कोई दिक्कत आए कपड़े में या कुछ भी ना, तो वो अच्छी चीज है। सो थम्स अप टू ऑनलाइन शॉपिंग, थम्स अप टू ऑनलाइन शॉपिंग। या कभी-कभी ऑनलाइन ऑनलाइन में कट भी जाता है कभी-कभी। हां ये तो है, क्यों लाल चुनरी दिखती है और जब ऐसा लगता है कि लाल चुनरी आ रही है, और जब घर आती है तो वो माता की चुनरी निकलती है लाल। हाँ ये देख लो क्या हो रहा है इनका, कहाँ से टप्पे मार रखे इन्होंने। नहीं मैं तो यहीं वेट करूंगी आपका। अच्छा ठीक है आ रही, तो ये देखो अब ये मारेगी टप्पे, मुझे फोन पकड़ा रही, अब ये मारेगी टप्पे, और ये टप्पे मारने के लिए तैयार, अब पर्स भी देगी मुझे टप्पे, मारेगी ये टप्पे, पर्स भी आ गया, अब मास्क लगा के मारोगे ये टप्पे? नहीं नहीं आओ, देखो ये मार दिया ना टप्पे। कौन इतना लंबा घूम गया यहाँ से देन वहाँ से और देन फिर इधर से इधर आए अपनी गाड़ी निकाले, इससे अच्छा तो यही है ना, शॉर्टकट ज़्यादा अच्छा है। सही। तो वहाँ पे हमारी शॉपिंग हो चुकी थी डन, हमने एक तरीके से वहाँ विंडो शॉपिंग करी है, अब हम आए थे दूसरी जगह, ये देखो डांस करते हुए आ रहे हैं। यहाँ का बैकग्राउंड का व्यू कितना अच्छा रहा है, ये कुछ अलग ही लगा अभी ना जाके, है ना? पहले नहीं दिखा हमें लाइट्स ना, नीचे कुछ लगी हुई, डिफरेंट कलर चेंज कर रहे हो। हाँ क्या बात, खूब शॉपिंग कर ली, थैला भर लिया, मौज ना ले, शादी के बाद आदमी का यही हाल हो, जावे अपने लत्ते कपड़े लेन, घर वापस लौटते राशन लेके। हाँ ये तो बात, अब अकेला आदमी हो तो यार कुछ भी खा के काम चलाने, मैकडोनल्ड्स या फिर आपका डोमिनोज, KFC, सबवे, ठीक है, लेकिन शादी के बाद तो भाई ये राशन का देखना पड़ेगा। सही बात है, हर महीने राशन खत्म नहीं होना चाहिए, प्रॉपर सारा राशन होना चाहिए। और पता है यहाँ से तो मम्मी को मैंने फोन नहीं करा, 10-15 सामान और पता चलते नहीं। हाँ, ये भी है। कहती भाई वो भी खत्म हो रहा, वो भी बाकी ऑनलाइन। हाँ। अभी तो ऑनलाइन ऑर्डर करा था, तुम लिखते क्यों नहीं दोनों लोग सामान ढंग से?
हम लिखे तो थे और ऑर्डर भी किया हमने बहुत सारा, उसके बाद पता नहीं कहाँ कहाँ से कुछ ना कुछ सामान, जब मार्केट जाओ तो ये तो है नहीं, तब और सामान याद आते हैं कि ये भी नहीं हमारे घर तो। ओट्स और कॉर्नफ्लेक्स रह रहे हैं। हाँ कॉर्नफ्लेक्स लेने और वो भी है, मुरमुरे भी, मुरमुरे ओट्स और कॉर्नफ्लेक्स ये लाना है। ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे ठीक है। काफी अच्छे से मतलब मेंटेन किया हुआ यहाँ पे एरिया ये वाला, ये आदमी बना रखा है इन्होंने स्टोन से, काफी अच्छे से मेंटेन किया हुआ ये वाला एरिया है ना, जैसा आपने अभी ये दिखाया ना। हाँ ऐसा चंडीगढ़ में रॉक गार्डन। हाँ करेक्ट करेक्ट, वहाँ पे हर चीज रॉक की है, रॉक्स की बनी हुई है। हाँ वो बहुत अच्छा है। गए हो आप वहाँ पे? मैं नहीं गई हूँ। तो हम मार्केट से आए और हम अपने अपने खाने पे लग गए। यहाँ मैंने चढ़ा दी यिप्पी, ये बना रहे हैं नॉर्मल मैगी, और यहाँ हमने चढ़ा दिया है चाय के लिए पानी। वाओ मैगी बनाने का कारण ये है बेसिकली, एक तो 2 मिनट में नहीं बनती है, बिल्कुल नहीं बनती है 2 मिनट में मैगी, ये सिर्फ ढकोसले है और वहम है, झूठी बातें फैलाई जा रही है। और इसका बेसिकली बनाने का कारण क्या था, एक तो मम्मी का टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्योंकि एक दो दिन से मम्मी का टेस्ट भी बिगड़ा हुआ है, और ज्यादा कुछ सामान डाल लेना, मैं बस प्याज डालूंगा मैगी और मसाला मैगी का। ये मैंने तो कुछ भी नहीं डाला, मैंने तो मसाला डाल के मैगी डाल दी। बस तुम ऐसी खाते हो ना मैगी, मतलब यिप्पी है इसमें ऑलरेडी सारे मसाले है ना, बस वही चीज है, वही तो बस मत खा रहे। देखा और मम्मी देखो आज काफी फ्रेश फ्रेश लग रही है, वेरी गुड। हाँ। जितने भी लोग हैं YouTube पे जिन्होंने भी विशेष दी ना, मतलब आंटी जल्दी ठीक हो जाए, उनकी देखो दुआएं कितनी काम आगे मम्मी। सही बात है, धन्यवाद दे दो सबको, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ठीक हूँ। ये आपकी दुआओं की, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी रिकवर, आप सबकी दुआओं की वजह से मम्मी जल्दी रिकवर हो गई। अच्छा वैसे जुकाम वुकाम भी हो ना तो चेहरा उतर सा जाता है, बॉडी फीवर नहीं है ना, फीवर से दिखता ही हो, बिल्कुल बेकार, नजला जुकाम भी निचोड़ देता है इंसान को। वो तो है, दो दिन से कितना कफ जा रहा था मुझे ही पता, नाक से भी आंख से भी गले से भी। बताओ सर्दियां हो तो ठंड के मारे जुकाम, मौसम चेंज हो कि सर्दी से गर्मी आ रही हो तो अरे मौसम चेंज हो रहा है इसलिए सर्दी जुकाम हो रहा है, और जब गर्मी आ जाए तो धूल मिट्टी एलर्जी, और ये कोरोना तो है ही ऑल टाइम। और ये प्याज चढ़ा दी है इसमें, ये चढ़ा दी मैंने प्याज, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि इनका मैगी का आउटपुट रिजल्ट कैसा होता है, और अपने वाली मैगी का भी दिखाऊंगी। मैगी का तुम्हारी तो यिप्पी है। तो ये हो चुकी है यिप्पी रेडी, और अभी इनकी मैगी ऑलरेडी प्रोसेस में है, तो जब वो रेडी हो जाएगी वो भी दिखाएंगे। स्टीम में बन रही है वो, स्टीम, ये स्टीम प्रोसेस है अंदर, ये वैसे ज्यादा फास्ट थी। तो ये रहा मैगी का एंड रिजल्ट, वैसे मैंने टेस्ट भी कर ली और अच्छी लगी मैगी ना। हाँ ये वैसी है जैसी बीटेक के टाइम पे बनती थी, है ना। हाँ। वैसी मैगी, सेम, वेरी नाइस, अच्छी लगी खाने में, टेस्ट में भी अच्छी है। है ना? वैसी है टेस्ट आज, है ना? कैसी है मम्मी? अच्छी है ना टेस्ट आया थोड़ा सा? हाँ। कई दिन से खराब हो रहा था टेस्ट मम्मी का, आज ठीक सा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइस, आज के वीडियो को, आज के ब्लॉग को बस यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग बिल्कुल पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, और चैनल पे अगर आपने तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं कल एक नए वीडियो एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज धन्यवाद।